एक साल समझकर आपके सामने हमारा वाल्मीकि ग्रुप एक नाटिका प्रदर्शन करने जा रहा है। मैं खुश हूँ, आप हम तो छुट्टी है,
आपका सर्व ज्ञान है, लेकिन आपका पास ये अस्त्र शस्त्र कहाँ से आए? आप तो महा ज्ञानी और महा ज्ञानी भी है, तो आप ध्यान करते समय अगर किसी ने ये अस्त्र शस्त्र छुड़ा ले जाए तो क्या होगा? ये भी चिंता कर कोई उपाय है तो ना मुझे एक तो उपाय है, लेकिन आपके अपेक्षा के भगवान से इसको निकला कर अपने शरीर में प्रवेश कर लेते अभी मैं सोचा हूँ केवल नारायण 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 महान देवताओं के महान इन अस्त्रों को संभालना देवताओं को बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने सारे अस्त्र दधीचि ऋषि के आश्रम में रखे। लेकिन वो अस्त्र शस्त्र कोई भी चुरा ले जा सकता है, इस भय से यह भय हमेशा बना रहता था। इसलिए ऋषि दधीचि ने उन सारे अस्त्रों को अपने तपोबल से रवरूप करके उन्हें प्राशन कर लिया, यानी वो सारे अस्त्र शस्त्र अब दधीचि ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गए। अब आगे क्या होता है आइए देखते हैं। परम पिता ब्रह्मा की कैसे परम पिता आप जानते हैं कि हमारा ये सब हुआ था, हम उसमें अपना सिंहासन धारण किए थे, लेकिन अब हम सब स्वस्थ हो चुके हैं और चाहते हैं कि दानों का सर्वनाश कर दो, और इसलिए हम भी आपसे सहायता मांगने आए हैं। हमसे क्या अपेक्षा? हमें एक वज्र की आवश्यकता है जिससे हम दानों का संहार कर सकें, इसी का उपाय आपसे चाहिए। हाँ, एक उपाय क्या प्रणाम पिता? लेकिन लोग ने दधीचि ऋषि उनका एक शक्तिशाली पंजा विमान, आप अगर उनके पास जाए जाकर उनकी मदद करें तो आपका काम आसान हो सकता है। धन्यवाद तथा जीवों को तीनों भूलों की रक्षा के लिए और
राक्षस का हर करने के लिए मैं अपना आपको काम करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। आसमान खास बिल्कुल बिल्कुल। चलिए युवराज युद्ध का तैयारी करते हैं। ऋषि दधीची अमर रहे, अमर रहे दधीची, अमर रहे।